मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था, और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है, और उसमें खास तौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 6.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको, यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 37 यानी 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 37-38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। ये आंकड़े हर एक उस व्यक्ति को आश्चर्य में डालता है कि जो प्रदेश के समय उस समय बीमारू राज्य थे 15-16 के दौरान, उनमें से बहुत सारे राज्य अभी बीमारू ही रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे उभर करके एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है।